मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लोग देख रहे हो, मुझे अजीब सा लग रहा है। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्त। आज मतलब घर पे लाइट नहीं आ रही थी इसलिए छत पे वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली टाटा नेक्सॉन के ऊपर। अब टाटा नेक्सॉन अगर आप लेने जा रहे हो तो उसमें एक बैटरी वाला वेरियंट, अब वो ईवी वाला वेरियंट आता है, वो कितने रुपये का आपको देखने को मिलेगा और आपको क्या क्या इसमें गाड़ी में अलग देखने को मिलेगा, क्या क्या इस गाड़ी में फीचर देखने को रहने वाले हैं, आपको इस वीडियो में आज वो पूरा पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं इस गाड़ी के टॉप मॉडल की बात करूँ तो ये टाटा नेक्सॉन जो ईवी आती है इसका जो टॉप मॉडल आपको मिलेगा देखने को 19.5 लाख रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है। वो एक्स शोरूम है, ठीक है, रोड पर आता था, लमसम आपको 20 लाख 20.5 लाख रुपए का पड़ेगा, मतलब 20.5 लाख रुपए का पड़ेगा, 1 लाख रुपए महंगा आपको देखने को मिलेगा। अब इस मॉडल का नाम क्या है, इस मॉडल का नाम आता है टाटा नेक्सॉन एम्पावर्ड प्लस LR डार्क, मतलब ये जो है इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब इसमें सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो गाड़ी आपको एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल महंगी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ईवी गाड़ी होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल महंगी ही होती है। अगर मैं आपको बात करूँ ये गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, फीचर्स की एक लिस्ट है, बहुत चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस गाड़ी में आपको जितने भी मतलब आपको कम के फीचर चाहिए उसमें सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ गाड़ी में आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, और इसका जो नया वाला स्टीयरिंग है ना उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब स्टीयरिंग पकड़ने में अंदर से इल्यूमिनेटेड होता है। और अगर बात करिए इसमें थोड़े बहुत और फीचर्स की, तो अगर पीछे की तरफ बढ़ोगे तो पीछे भी इसमें आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 5-स्टार रेटिंग तो मिलती थी, साथ ही साथ में इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के व्हील्स की, तो इस गाड़ी में जो व्हील्स हैं उसमें आपको चारों में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। देखो आपको भाई बंदी में बताऊँ की गाड़ी मतलब अंदर से कैसी है, तो देखो अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने 20.5 लाख रुपए दिए, मतलब वो जो रुपए है ना वो आपके 1 रुपए बिल्कुल जस्टिफाइड रुपए हैं, ऐसा नहीं लगेगा आपको 20.5 लाख रुपए कहीं गलत जगह रख दिए हो। मतलब उसका इंटीरियर है ना वो आपको काफी ज्यादा मतलब आपको ना कह सकते हो रिच सा फील कराएगा, या बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा इंटीरियर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे, मतलब दो मॉडल क्या, दो बैटरी वाले मॉडल देखने को मिलेंगे। एक तो 30 किलो की बैटरी आती है 30 किलोवाट वाली, और एक आती है 40 किलोवाट वाली। 40 किलोवाट वाली जो बैटरी होती है उसमें कंपनी बताती है आपको 325 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी, और ये जो 40 किलोवाट वाली आती है इसमें आपको 465 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा गाड़ी कितनी चल जाती है, तो 325 वाली जो रेंज रहती है ये लमसम मान के चलो आपको 250 किलोमीटर चलती है, और आपकी 465 किलोमीटर वाली रेंज है ये आपको लमसम मान के चलो 350 किलोमीटर आराम से चल जाती है। तो वही वाली बात होती है कि आप कौन सा मोड पे चला रहे हो। इस गाड़ी में आपको 2-3 मोड देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स और इको प्लस। गाड़ी में रीजन भी आपको देखने को मिलती है। रीजन क्या चीज होती है, इसमें आपको 4 मोड दिए गए रीजन के, मतलब इसमें क्या होगा जैसे मतलब आप अगर उस फीचर को ऑन रखोगे तो गाड़ी के आपके जो अगले पहिए होते हैं उन्हीं के माध्यम से गाड़ी अपने आप ही खुद ही चार्ज हो जाएगी, मतलब एक तरह का वो मान लो डायनमो एक तरह का, उसमें भी आपको 4 मोड देखने को मिल जाएंगे। पहले में आपकी गाड़ी थोड़ी ज्यादा लंबी तक चलेगी, और आप दूसरे पर करोगे तो ज्यादा एनर्जी बनाएगी, और उससे तीसरे पर कर दोगे तो और ज्यादा एनर्जी बनाएगी, वाले पे सबसे ज्यादा एनर्जी गाड़ी बनाएगी। ये चीज कब काम आती है, ये चीज जब काम आती है जब आप पहाड़ वाड़े पे होते हो ना, जैसे पहाड़ से नीचे आ रहे हो इंक्लाइन पे, चलो आपकी गाड़ी 20% चार्ज थी और मतलब गाड़ी को अपनी पावर तो लगानी नहीं पड़ रही है, वो उनसे नीचे आ रही है अपने वजन पे, ठीक है, समय पर ये रीजन काम करता है, उस समय पर आपकी गाड़ी जो है वो अपने आप चार्ज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की, क्या कहते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या BHP देखने को मिलेगी, तो बात है इस गाड़ी में इंजन तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, इस गाड़ी में आपको मोटर देखने को मिलेगी जो कि 142 BHP आपको प्रोड्यूस करके देगी। 142 BHP मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है 142 BHP इतनी सी गाड़ी के लिए। अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो 100 BHP गाड़ी में बहुत दम देखने को मिल जाता है, 215 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं ईवी गाड़ी जो होती है एज कम्पेयर टू डीजल या पेट्रोल आपको बेहतर ही मिलेगी। ये जो आप ट्रेंड देखते हो ना कि लोग कहते हैं जो इंजन वाली गाड़ी में बात होगी वो ईवी में नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर आप ईवी गाड़ी चलाओगे जब आप उसको फील करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। उस गाड़ी में आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। पिकअप आपको मतलब मान के चलो 8.9 सेकंड में आपको वो 100 की रफ्तार आपको प्रोड्यूस करके दे देगी। और टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो टॉप स्पीड इस गाड़ी में आप 150 तक की देखने को मिलेगी। अब मतलब ये टॉप स्पीड आपको लिमिटेड करके दी जाती है और ज्यादा होगी, मतलब कंपनी ने लिमिटेड कर दी, 150 की रफ्तार बहुत होती है, वैसे भी 150 रफ्तार आप कहाँ भगा लोगे, ठीक है, 150 की रफ्तार अच्छी खासी होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं बात करूँ इस गाड़ी के चार्जिंग के समय की, इस गाड़ी में चार्जिंग समय क्या लगता है, देखो जो स्टॉक कंपनी चार्जर आपको देगी जो आपको गाड़ी के साथ ही मिलेगा, वो नॉर्मल चार्जर होता है, वो आपके 5A वाले सॉकेट में लग जाएगा प्लग में, घर के प्लग में, उससे आपकी ये गाड़ी मान के चलो 15 घंटे में फुल चार्ज होगी, मतलब 15 घंटे लगेंगे आपको फुल चार्ज करने में, काफी लंबा समय होता है। और इसमें एक दूसरा चार्जर आता है जो कि 7 किलोवाट का होता है, उससे ये गाड़ी लमसम उससे ये गाड़ी 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 10 to 80, ठीक है, मतलब मैं 0 to 100 नहीं बता रहा हूँ, 10 to 80 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और फिर जो सबसे तगड़ा चार्जर आता है जो कि DC चार्जर होता है, देखो ये दोनों चार्जर मैंने पहले बताया आपको, ये तो AC चार्जर जो घर में लग जाएंगे घर के करंट से हो जाएंगे, जो DC चार्जर होता है जो आपको बाहर फास्ट चार्जर देखने में मिलेंगे, उससे गाड़ी 56 मिनट में 0 to 100 चार्ज होने की दम रखती है, मतलब इसका फास्ट चार्जर उससे गाड़ी जल्दी से चार्ज हो जाती है, मतलब एज कम्पेयर टू जो AC वाले इसके चार्जर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं ये बात करूँ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 20.5 लाख रुपये बहुत होता है। अगर आप 20.5 लाख रुपये आज इंडियन मार्केट में लेकर निकलोगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखो अगर आप एक ईवी गाड़ी तलाश रहे हो तो ईवी गाड़ी में केवल और केवल टाटा का दबदबा अभी बना हुआ है, टाटा ही सबसे ज्यादा ईवी वाली गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी ये ईवी की बहुत सारी आ रही। मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है।
काफी सारी कंपनी आपको इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां दे रही है, BYD हो गई, BYD की काफी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, महिंद्रा की आपको फोर डबल देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और होंडे की कोना वोना देखने को मिल जाएगी, MG की आती है, क्या कहते हैं, ZACV और EV6 ऐसी गाड़ी, मतलब सारी कंपनी बना रही है, बट जो मेन लीडर चल रहा है मार्केट में वो चल रहा टाटा, टाटा की तीन चार गाड़ियां आती है, एक तो टियागो EV देखने को मिलेगी, टिगोर EV देखने को मिलेगी, नेक्सॉन आपको देखने को मिल जाती है, मतलब है, और आने वाले समय में इनकी हैरियर भी निकलने वाली है। अगर आप एक EV गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आज आप बेशक ले सकते हो मेरे हिसाब से। देखो अगर आप शहर शहर में रहते हो तो सही है, बट आप अगर पहाड़ के एरिया में रहते हो तो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पहाड़ के एरिया में ज़्यादा आपकी बिजली जाएगी, और सबसे बात है 15 घंटे का आपको नॉर्मल चार्जर जो देखने को मिलेगा उससे 15 घंटे में ये गाड़ी आपको चार्ज होगी, ठीक है। अगर आप शहर शहर में रहते हो या तो कहो दिल्ली में रहते हो या कोई भी ऐसे अच्छे से शहर में रहते हो जहाँ पर फास्ट चार्जर की सुविधा है, तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को ले सकते हो, और आने वाले 2 साल के अंदर ये मतलब पूरे इंडिया में इसको जो फास्ट चार्जर है वो फैल जाएंगे, मतलब कोई भी आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस आज की वीडियो केवल इतनी थी, मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब अगर आप एक नेक्सॉन EV प्लान कर रहे हो लेना, या कह लो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि मैं पेट्रोल वाली लूँ या डीजल वाली लूँ, इसकी एक चीज़ मैं और आपको खास बता दूँ, एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल इसकी जो रनिंग कॉस्ट आने वाली है वो 1 रुपये पर किलोमीटर आएगी, मतलब लमसम मान के चलो जब आप इस गाड़ी को फास्ट चार्जर पर चार्ज कराओगे तो 350 से 400 रुपये में आपकी फुल चार्ज हो जाया करेगी, और इतनी ही ये गाड़ी चलती है, तो 1 रुपये किलोमीटर की इसकी रेंज आने वाली है, और मतलब अच्छी है ये आपकी, मतलब जेब पर इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, ऊपर से इस गाड़ी की सर्विस कुछ होती नहीं, क्योंकि इस गाड़ी में मोटर है, कोई भी इंजन नहीं है, ना तो इसमें कोई मतलब पार्ट वार्ट टूटते अंदर इंजन के, और ना तो इसमें कोई सर्विस वर्विस मोबिल वोबिल डलता, तो इससे मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाड़ी जो पेट्रोल डीजल की होती है उससे थोड़ी बहुत अच्छी खासी जो उसकी कॉस्टिंग होती है सर्विस की वो आपको सस्ती देखने में मिलेगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो केवल इतनी थी, मैंने आपको बताया कि मतलब नेक्सॉन अगर आप प्लान कर रहे हो तो बैटरी वाली ले सकते हो, डीजल वाली ले सकते हो, या कौन सी ले सकते हो वो आपके हाथ में, बट मेरे हिसाब से जो EV वाला वेरियंट है वो काफी परफेक्ट है आज के जमाने के, आजकल सारी गाड़ियां EV की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आपको भी EV की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।